हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ सुसाइड। आज हम सुसाइड के कॉजेज यानी कि आत्महत्या के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको अबाउट सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में बताया था, आत्महत्या क्या होती है और बेसिकली जो आत्महत्या की डेफिनेशंस है, परिभाषा है या किस प्रकार की मृत्यु को हम आत्महत्या का नाम देते हैं, जब व्यक्ति स्वयं अपने हाथ अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है यानी कि अपनी मृत्यु का जो कारण होता है वह स्वयं होता है, तब ऐसी मृत्यु को हम आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। आत्महत्या यानी कि अपनी हत्या करना। तो बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और बेसिकली सुसाइड इज़ द कंसेप्ट ऑफ इमैनुअल दुर्खिम। आत्महत्या इमैनुअल दुर्खिम का कंसेप्ट है, यानी कि इमैनुअल दुर्खिम ने इसके बारे में बताया। तो जो दुर्खिम है वो सुसाइड के बहुत सारे कॉजेज़ मानते हैं, तो आज हम उन्हीं कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो इमैनुअल दुर्खिम है उन्होंने किस तरह के क्या कॉजेज़ बताए हैं। दुर्खिम मेंशंस मैनी नेचुरल साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, बट यू डू नॉट कंसीडर साइकोलॉजिकल एंड नेचुरल कंडीशन द रियल मोटिवेशन फॉर सोसाइटी। यहाँ पे इमैनुअल दुर्खिम ने जो आत्महत्या है, सुसाइड है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स माने हैं, प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, जैवीय, सामाजिक, ठीक है। लेकिन जो इमैनुअल दुर्खिम हैं वो साइकोलॉजिकल और नेचुरल कंडीशन, जो मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक दशाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं, वो किसी भी हालात में आत्महत्या का जो है वास्तविक मोटिवेशन, वास्तविक प्रेरणा नहीं है। यानी कि जो इमैनुअल दुर्खिम है वो साइकोलॉजिकल और नेचुरल कंडीशंस को आत्महत्या का, सुसाइड का रियल मोटिवेशन, वास्तविक कारण नहीं मानते हैं। द रियल ड्राइविंग फोर्सेस लाइज इन सोशल कंडीशंस ऑनली। दुर्खिम हैज़ फर्स्ट मैंशन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अमंग द एंटी सोशल कॉजेज ऑफ सुसाइड। तो दुर्खिम ने जो बेसिकली है वास्तविक जो प्रेरणा शक्ति है वो सामाजिक दशाओं में ही, जो सोशल कंडीशंस होती हैं उनमें ही वो पाया जाता है। यानी कि आत्महत्या का जो कारण है, वास्तविक कारण है, वो सामाजिक दशाओं में, यानी कि व्यक्ति की जो सामाजिक दशाएं होती हैं, सोशल कंडीशंस होती हैं, उनमें ही आत्महत्या का वो कारण मानते हैं कि उन्हीं में से आत्महत्या का कारण, सुसाइड का जो रीज़न होता है वो होता है। तो यहाँ पे जो दुर्खिम हैं उन्होंने सबसे पहले आत्महत्या के असामाजिक कारणों में, एंटी सोशल कॉजेज, असामाजिक कारणों में मनोवैज्ञानिक, मनोजैव के कारकों का सबसे पहले उल्लेख किया है यहाँ पे। तो जो दुर्खिम ने कारण बताए हैं, कॉजेज बताए हैं सुसाइड के, तो उसमें दुर्खिम ने जो असामाजिक कारण हैं उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोसामाजिक जो हैं, मनोवैज्ञानिक जो कारक हैं, मनोजैव के, उन्हें उन्होंने कारण बताया। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड सुसाइड्स, साइकोलॉजिकल यानी कि साइकोपैथिक स्टेट्स एंड सुसाइड, मनोव्याधिक अवस्थाएँ और आत्महत्या। फर्स्ट रीज़न इज साइकोलॉजिकल साइकोपैथोलॉजिकल, मनोव्याधिकीय स्टेट्स, अवस्थाएं और सुसाइड, इन दोनों का कनेक्शन यहाँ पे इमैनुअल दुर्खिम बता रहे हैं। सॉरी। अमंग द फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सुसाइड, दुर्खिम कंसीडर्ड मैडनेस, नर्वसनेस, वीकनेस एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। यहाँ पे दुर्खिम ने जो मनोव्याधिकीय साइकोपैथोलॉजिकल स्टेट्स बताई हैं सुसाइड की, तो इमैनुअल दुर्खिम कहते हैं कि जो व्यक्ति की मनोव्याधिकीय कारण होते हैं आत्महत्या के, उसमें दुर्खिम किन चीज़ों को इंक्लूड मानते हैं, मनोव्याधिकीय यानी कि साइकोपैथोलॉजिकल रीजंस जो हैं, मैडनेस, पागलपन, नर्वसनेस, वीकनेस, व्यक्ति की जो स्नायु तंत्र की कमजोरी, अल्कोहल और मद्यपान, किसी भी तरह का नशा करना, ठीक है, और आत्मोन्माद यानी कि कोई भी हमारा जो डिप्रेशंस है और एक्सेट्रा, इस तरह की जो भी मनोव्याधि, यानी कि व्यक्ति जब डिप्रेशन में है, वो किसी चीज़ की वजह से परेशान है या उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो सही तरीके से काम नहीं करता, वो वीक है, मैडनेस है, वो पागल है, या फिर वो किसी प्रकार का नशा करता है, अल्कोहल वो लेता है, तो ये सब क्या है, साइकोपैथोलॉजिकल रीज़न है सुसाइड के लिए, आत्महत्या के मनोव्याधि के कारण है,
इमाल दुर्खिम ने आप ही ने बताया। तो इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट वो है इंसैनिटी एंड सुसाइड। इंसैनिटी एंड सुसाइड यानी कि पागलपन और आत्महत्या। इंसैनिटी दैट मीन्स इज मैडनेस, पागलपन और आत्महत्या। तो यहाँ पे सॉरी इंसैनिटी एंड सुसाइड, तो बेसिकली ये हो गया है यहाँ पे पागलपन और आत्महत्या का जो कनेक्शन है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पागलपन वाली अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में। दुर्खिम ने पागलपन को एक ऐसी स्थिति, ऐसा कारण उन्होंने बताया जो किसी भी समाज में तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी होता है, ऐसी अवस्था इसकी वो बता रहे हैं। भिन्न भिन्न समाजों में, अलग अलग समाजों में जो बेसिकली कारण हो सकता है सुसाइड का, वो अलग अलग हो सकता है। पागलपन एक मानसिक अलगाव की, मेंटलिटी इसोलेशन की कंडीशन होती है। एक्सिविरोल और बॉर्डिन ने जो एक विशेष प्रकार का जो है अलगावपन, ठीक है, अलगावपन की व्यक्ति सबसे आइसोलेशन में वो रहना पसंद करता है, अकेलेपन में, किसी से वो ज़्यादा बात नहीं करता है, वो अकेला रहता है, तो ये एक विशेष प्रकार पागलपन इसे बताया गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और जो दुर्खिम है उन्होंने इस थ्योरी का जो परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है, और आत्महत्या को पागलपन से जनित नहीं मानते। वो कहते हैं कि आत्महत्या पागलपन से नहीं रिलेटेड है, यानी कि कहना वो चाहते हैं कि हर जगह जो पागलपन है वो आत्महत्या जो है वो पागलपन से ही नहीं निकल कर आती है, इनके हर पागल व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है। कुछ लोग आत्महत्या को आनंद, यानी कि जो एन्जॉयमेंट है, मति भ्रम, दिमाग का चल जाना, दीवानगी, अत्यधिक सुख शोक, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ऐसी स्थिति थे वो इसे मानते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है किसी कंडीशन में, तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, ये भी आत्महत्या का कारण हो सकता है। इसी तरह से कुछ लोग जो सम्मोहन होता है, यानी कि किसी को सम्मोहित करना, अट्रैक्ट वो करना, आवेगपूर्ण अवस्था, इनकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, ये भी सब आत्महत्या का कारण हो सकते हैं। हिप्नोटाइज जो होता है, सम्मोहित करना, किसी व्यक्ति को अपने मोहपाश में बांध देना, किसी व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना कि वो व्यक्ति उसके साथ ना अटैचमेंट फील कर रहा है, जैसा वो व्यक्ति कहे सम्मोहित है। जो हिप्नोटाइज है एक प्रोसीजर भी होता है, इसे एक प्रोसीजर के द्वारा अच्छे खासे व्यक्ति को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या हो सकते हैं, आत्महत्या के कारण हो सकते हैं। पागलपन के भी बहुत सारे रूप हैं जिनका बेसिकली जो बताए हैं यहाँ पे इंसैनिटी जो बताया है पागलपन, इसके भी बहुत प्रकार के रूप, बहुत प्रकार का ये पागलपन पाया जा सकता है। सुसाइड एज इंसैनिटी, आत्महत्या एक उन्माद, ठीक है, उन्माद, पागलपन। तो जो बॉर्डिन है उन्होंने आत्महत्या को एक उन्माद, एक इंसैनिटी बताया है कि सुसाइड इज अ लाइक अ इंसैनिटी, जो आत्महत्या है वो एक पागलपन की तरह होता है। उनके अनुसार आत्महत्या पागलपन या उन्माद का ही एक विशेष रूप है, यानी कि जो बॉर्डिन है जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था, तो वो जो उन्होंने आत्महत्या को एक उन्माद की तरह, इंसैनिटी की तरह, पागलपन की तरह बताया है, तो उन्होंने कहा कि आत्महत्या पागलपन या उन्माद का ही एक विशेष रूप है जो केवल एक क्रिया में, एक एक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो बाकी सभी एक्शंस होते हैं उसमें आत्महत्या करने वाला सामान्य दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कभी कभी, वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो ऑलवेज आप उसे सीन मिलते हैं, उसे देखते हैं, उसे जानते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति क्या हो जाता है, बिल्कुल पागलपन की जो है वो लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, वो रिएक्ट करता है, एक्ट करता है बिल्कुल पागल की तरह, की पागल वाली हरकतें कि हम देख के उसे कह नहीं सकते कि जिस व्यक्ति को हम जानते हैं ये वही व्यक्ति है, बिल्कुल ओके, वेल, गुड है ये, नहीं, तो उस समय हम लगता है कि नहीं भाई, ये तू कैसे करने लगा, ये तो ऐसा नहीं है, क्या हो गया था तुम्हें, कैसे कर रहा था ये, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में ही, केवल जब वो ऐसी एक्टिविटी, उस स्थिति में वो आपको लगेगा कि हाँ वो आत्महत्या वाला पागलपन, की हाँ भाई उसने भी, वो व्यक्ति है फिलहाल, तो मेरा दोस्त है, उसने
सुसाइड अटैम्प्ट किया है या उसने सुसाइड करने की कोशिश किया, उसने कर लिया, नहीं वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं तो थोड़ी देर पहले मिला था, एक दिन पहले मिला था, कुछ घंटे पहले मिला, मैं तो उसे इतने सालों से जानता हूँ, वो तो ऐसा नहीं कर सकता। बट व्यक्ति के जीवन में कुछ इस तरह की सिचुएशन, कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है या वो परिस्थिति जिसमें वो बिल्कुल एक्ट करता है लाइक अ मेंटल, लाइक अ इंसैनिटी, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो अटैम्प्ट कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि अपने सभी कार्यों में वो है जो बेसिकली नॉर्मल आपको बिहेव करते हुए दिखाई देंगे, चोरी करने या मारपीट करने, शराब पीने में बहुत ज़्यादा उन्हें आनंद आता है, ऐसी स्थिति में वो एक विशिष्ट जो है इस तरह के एक्शन की, बहुत बार आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है वो जब विदाउट ड्रिंक होता है, बिना किसी अल्कोहल के वो आपको मिलेगा तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति की तरह आपको मिलेगा, जबकि आफ्टर अल्कोहल किसी भी तरह नशा कर लेने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका बिहेवियर, उसकी मेंटेलिटी, वो आपको सबको बिल्कुल चेंज मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसके हार्मोन्स या फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो इस चीज़ को इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुसाइड को लाइक अ इंसैनिटी बताया गया ये वही है। इसके बाद है सुसाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंसैनिटी, यानी कि जो आत्महत्या है वो उस पागलपन के परिणाम के रूप में, रिजल्ट, सुसाइड द रिजल्ट ऑफ अ इंसैनिटी, यानी कि जो आत्महत्या है वो उन्माद का परिणाम है, और जो दूसरे रीजंस हैं उनके बारे में भी हम आगे से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।